हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस कर्नर। टुडे वी शैल डिस्कस द करेंट अफेयर जनवरी 2020। तो एथरे आमे डिस्कस आमे जनवरी 2020 रु कौन पे स्टार्ट करूचे ना, आमर जो स्केड्यूल अच्छी रैपिड रिविजन प्रोग्राम रो जो स्केड्यूल अच्छी, तो मोर 22 रे एग्जाम अच्छी करेंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू कौन मे, जनवरी टू मे 2020। तो ये जो जनवरी टू मे 2020 एक्चुअली बहुत ही वास्ट सिलेबस, तो आगर तुम्हें पढ़ी थी बट ये आम मुझे ट्राए करी तुम मानक आक्वेटेड करने टॉपिक मानक सहित, जस्ट जोटा इम्पोर्टेंट पार्ट ताक कवर करने ट्राए करी। तो बेसिकली आम विजन आईएएस रो जो करेन्ट अफेयर आम डिस्कस करवा, तो फास्ट सब्जेक्ट आम डिस्कस करवा इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी रो जनवरी टू मे ये पार्टा आम पूरा कम्प्लीटली डिस्कस करवा वीडियो रे। तो जदि टाइम परमिट कर आम आईआरबी कम्प्लीट करवा, तो फास्ट फेज रे आम कौन करवा ना पॉलिटी आउ आईआर जनवरी टू मे कम्प्लीट करवा, देन वी विल शिफ्ट टू इकोनॉमी। इकोनॉमी गलापर एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटा जदि आम सेक्शन वाइज जीवा, फास्ट आम इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, देन सेकेंड फेज आम जीवा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू को जीवा, थर्ड फेज आम जीवा एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ओके। तापरे फोर्थ फेज रे जीवा कौन कल्चर, कल्चर तापरे आम ए जो इंडियन पॉलिटी आईआर आउ इथरे आम लिख परिबा इंटरनल सिक्योरिटी, ओके। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत स्मॉल टॉपिक सब थाए, बहुत कम कंटेंट थाए तार, तेणु एथरे रखिदबा। तो एथरे आमर कल्चर पार्टा फोर नंबर क्लियर करवा, तापरे आमर जो सब टॉपिक रहिला ताकु आमे कवर करवा मिसलेनियस टॉपिक्स। तो सबुठ इंपोर्टेंट कौन ना इंडियन पॉलिटी आम फास्ट देखिबा जनवरी मंथ रु मे मंथ जाए। तो एथरे ए वीडियो रे आमे पर्टिकुलरली जनवरी टू मे मंथ रो फास्ट आगो पॉलिटी कंप्लीट करिवा, जदि टाइम परमिट करिवो ताले आईआर कंप्लीट करिवा, तो ए सब जिनस को डिस्कस करिवा। तो एबे आमे देखिवा जनवरी मंथ रो करंट अफेयर, ओके। तो जनवरी मंथ रो करंट अफेयर जदि आमे जिबा, फास्ट करंट अफेयर कोन अछि ना पॉलिटी एंड गवर्नेंस रो कोन अछि, एट देखि परथु स्क्रीन रे आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो टॉपिक देखुच आर्टिकल 131 से कौन कौची ताकू तुम्हें जानवा दरकार बेसिक जिनस, आउ माने पूरा बेसिकली आम विजन आईएएस रे कंटेंट कौन था ना विथ रेस्पेक्ट टू मेन पार्ट को भी से कवर करता है, तो मेन पार्ट को आम इग्नोर कर एवे टाइम रे, बट कौन कौन अच्छी आम माइंड मैप कि सर्ट नोट करके लिखिपर। तापर ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड इश्यूज ऑफ डिफेक्शन, एटा बहुत ही माने कंट्रोवर्शियल टॉपिक, एटा स्पीकर ऑफिस आउ इश्यूज ऑफ डिफेक्शन जोटा कि हमरो आमे कहि परिबा बेसिकली एग्जीक्यूटिव पार्ट। तुम जब गोटे टॉपिक को नौ से तुम ट्राए कर क्या रिलेट करने ना सिलेबस को रिलेट करने सिलेबस कि टॉपिक सब टॉपिक को रिलेट करने। तो सिलेबस रे कौन अच्छी ना तुम्हें जो देखिबो आर्टिकल 131 कौन सुप्रीम कोर्ट रो पावर विषय देछि, तो सुप्रीम कोर्ट रो पावर बेसिकली ए जो टॉपिकटा कहाँ सहित रिलेट कर जुडिशियरी, तेणु एटा कौन एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज डील्स विथ जुडिशियरी। देन सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन कर्विंग रेस्ट्रिक्शन, तो एटा को भी एथरे आमे कवर करिबा। आधार रिपोर्ट, तापरे एनमी प्रॉपर्टीज, रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ईडब्ल्यूएस कोटा इन स्टेट्स, इकोनॉमी क्विकर सेक्शन कोटा इन स्टेट्स, देन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेस, देन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। तो तुम्हें जदि खाता अच्छी तुम पाखे ये टॉपिक सब लेख नोट कर, जो कि तुमको बहुत ही भल लगे माने क्लारिटी आसो तुम अंडरस्टैंडिंग, तुम जदि नोट खाता यूज करुच तेल या तुम लेखिक रख। तो फास्ट जिनस आम देखा आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 131 रे मु क्लिक करली। तो आर्टिकल 131 रे कौन कहूँ ना कंटेक्स्ट कौन कहूँ सब बड़े मन रख, कंटेक्स्ट को सबुठू बेसी प्रायोरिटी देव कौन पे ना जो न्यूजटा अच्छी कौन पे अच्छी, सपोज आर्टिकल 131 आम कहे आर्टिकल 131 कौन पे न्यूज्रे अच्छी ताकू तुम्हें निहाती जानवा दरकार, तापर आर्टिकल 131 कौन ताकू भी जानवा दरकार। तो बेसिकली आर्टिकल 131 आम जो कहे कंटेक्स्ट जदि आम देखा कौन है ना केरला हाईकोर्ट आउ
केरला गवर्नमेंट आउ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से माने कौन करचंती ना सुप्रीम कोर्ट रे फील स्वीट फील करचंती कौन पई स्वीट फील करचंती ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो अछि हमरो सेंट्रल लॉ सच एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट एमानकु कौन कहउचंती ना चैलेंज करचंती जे एटा इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर बा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को से माने जो केरला किंबा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट छत्तीसगढ़ ये जो अप्लाई होची इट इज नॉट द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो आर्टिकल 131 रे कौन हिची ना से माने चैलेंज करचंती तो आर्टिकल 131 ताले कौन बोली कहउची ताकु हमें देखिबा तो आर्टिकल 131 आगो बुझिबा जे व्हाट इज व्हाट आर्टिकल 131 देन हमें इशू को जीवा तो आर्टिकल 131 बेसिकली कौन कहउची ना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विषय रे कहउची तो सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कौन ना अपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट डील करे कहा को डिस्प्यूट को नहीं कि ना सेंटर आउ स्टेट किंबा सेंटर एंड द स्टेट ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट ऑन अदर साइड एंड टू और मोर स्टेट तेणु ये सेंटर रहा कि स्टेट सहित हो पार स्टेट स्टेट कि आउ गोटे स्टेट सहित हो पार कि स्टेट स्टेट सेंटर स्टेट सहित हो पार कि दीटा स्टेट वर्सेस तीन टा स्टेट एमती भी हो पार तेणु या माने कौन यही जो डिस्प्यूट हेबो मानक भितरे कोनोसी कोर्ट एतरे कौन करि परिबोनी एंटरटेन करि परिबोनी खाली सुप्रीम कोर्ट रही पावर अछि तणु ताकु आमे कौन कहउचे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तणु तुमको जदि पचारिबो किए जे आर्टिकल 131 कौन पे यूज होउची ना इट इज अबाउट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एतिकि जदि कहिलो तमो आंसर ठीक तापरे तमे एक्सटेंड करि परिबो जे एटा बेसिकली अपेक्स कोर्ट कहाँ भी कहाँ को नहीं कि डील करे ना स्टेट स्टेट आउ सेंटर भितर जदि इशू होची किमा दीटा स्टेट आउ आउ गोटे स्टेट सहित भितर जदि इशू होची किमा सेंटर आउ स्टेट गोटे साइड देन आउ गोटे अलग अलग स्टेट आउ गोटे साइड ताले सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स अथॉरिटी टू डील विथ दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो ए डिस्प्यूट टू क्वालिफाई अंडर आर्टिकल 131 जो आर्टिकल 131 रे डिस्प्यूट माने कौन कहउची ना इट हैज टू बी नेसेसरीली बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर एंड मोस्ट इनवल्व ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन व्हिच एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट ऑफ द स्टेट और सेंटर डिपेंड तो लीगल जो किसी लॉ बा किसी लॉ जो सपोज गोटे स्टेट कौन करछि ना गोटे एनाक्टमेंट करछि बा लॉ एनाक्टमेंट करछि तो से जो लॉ को चैलेंज करथुवा दरकार जो जो जिनसडा ओके तो इट हैज टू नेसेसरीली बी बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर एंड मोस्ट इनवल्व ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन व्हिच द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट ऑफ द स्टेट और द सेंटर डिपेंड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 जो स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड यूनियन ऑफ इंडिया भितर जो केस चलता पीएन भगवती कौन कही जस्टिस पीएन भगवती से ये बहुत ही फेमस पीआईएल रो कॉन्सेप्ट इंडिया रे प्रचार करछन्ति से तनु ए जो जस्टिस पीएन भगवती कौन कहले ना सुप्रीम कोर्ट टू एक्सेप्ट ए स्वीट अंडर आर्टिकल 131 द स्टेट नीड नॉट शो दैट इट्स लीगल राइट इज वायोलेटेड बट ओनली दैट द डिस्प्यूट इनवॉल्व ए लीगल क्वेश्चन ए जो डिस्प्यूट तांको भितर होउची इट शुड बी ए लीगल क्वेश्चन ओके इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटल पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय डिफरेंट पार्टी तो पॉलिटिकल डिफरेंस को सेटल करिबा पई ए आर्टिकल केबे भी यूज हेई पारिबो नाही बट सेंटर रो इतरे पावर अछि कोन ना ए जो लॉ अछि लॉज आर इम्प्लीमेंटेड द सेंटर कैन इश्यू डायरेक्शन टू ए स्टेट टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इफ स्टेट्स डू नॉट कंप्लाई विथ द डायरेक्शन द सेंटर कैन मॉब द कोर्ट सीकिंग ए परमानेंट इंजक्शन अगेंस्ट स्टेट्स टू फोर्स देम टू कंप्लाई विथ द लॉ तो जदि गोटे स्टेट तार जो सेंटर डायरेक्शन को कंप्लाई करूनी सेंटर कौन कर पारिबो ना कोर्ट को जाई पारिबो आउ सेथरे परमानेंट इंजक्शन देवा पई से अप्लाई करिबो बा सिक करिबो कहा अगेंस्ट रे गोटे स्टेट अगेंस्ट रे आउ फोर्स करिबो टू से जो लॉ अछि ताकु कंपेल करिया पई बाध्य करिबो तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो अच्छी हमरो कहाँ को एक्सटेंड होती ना इस द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट मेनी एनी ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेनेंट एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन और व्हिच प्रोवाइड्स दैट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट एक्सटेंड टू ए टू सच ए डिस्प्यूट तो नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ ना
डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ द वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर स्वीट ब्रॉट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 131 रो सिग्निफिकेंस ताले कौन ना आम देखिले कौन ना ये सब को लेकिन यूज करें आर्टिकल 131 जदि आम कह यूज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर इट इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 131। तापर प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी आसीबो नाही। तो आर्टिकल 131 रो सिग्निफिकेंस ताले कौन आर्टिकल 131 रो सिग्निफिकेंस कौन तो इंडिया गोटे कौन क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर तो आज ए क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा इंडियन सिस्टम इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट आर नॉट अनकॉमन माने इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट बहुत नॉट अनकॉमन बा बहुत कम नुह बहुत ही बेसी सो देयरफॉर द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टेड सच डिफरेंसेस एंड एडेड द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर रिजोल्यूशन सो रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट अनलाइक इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट कंप्लेन ऑफ फंडामेंटल राइट बीइंग वायोलेटेड और कैन नॉट मूव टू द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 टेल्स द रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट। तो ये बेसिकली आम डिस्प्यूट विषय जितेबाला स्टेट भितर जो डिस्प्यूट होते कौन हो स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन करें जे फंडामेंटल राइट वायोलेटेड therefore the constitution provide that whenever a state feel that its legal right are under threat or have been violated it can take the dispute to the supreme court the state have filed such cases under article 131 against neighboring states in respect of river water sharing and boundary disputes to yaku janiba pore ame jai pariba kothi jai pariba na ebe kon chali chi to ame jo dekhiba केरला रे कौन होची ना व्हाई द स्टेट्स हैव चैलेंज द सेंटर अंडर आर्टिकल 131। तो केरला क्या नहीं चैलेंज करची ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट आक्ट 2019 को नहीं चैलेंज करची। तो कौन पे ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट आक्ट 2019 इज ए वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 एंड 25। तो आर्टिकल 14 माने कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 21 कौन क्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड 25 इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल एज अगेंस्ट द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द नेशन सो इट एल्सो चैलेंज द पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया अमेंडमेंट रूल 2015 एंड फॉरेनर्स अमेंडमेंट ऑर्डर 2015 व्हिच हैड रेगुलराइज टू स्टे ऑफ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हु हैड एंटर इंडिया बिफोर December 31, 2014 ऑन द कंडीशन दैट दे हार्ड फ्लीड रिलीजियस परसिक्यूशन फ्रम देयर होम कंट्रीज। तो यहाँ है केरला ओके देन छत्तीसगढ़ कौन कौच ना यो एनआईए आक्ट जो 2008 अच्छी ताकू नहीं कि प्रॉब्लम अच्छी। तो यो एनआईए रे जो गोटे डिक्लारेसन दैट एनआईए आक्ट 2008 इज अनकन्स्टिट्यूशनाल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट। कौन पे ना एनआई पुलिस स्टेट आमर कहाँ अंडर जाऊँगी स्टेट रो गोटे सब्जेक्ट एटा स्टेट सब्जेक्ट आज पुलिस स्टेट इज ए सब्जेक्ट रिजर्व फॉर द स्टेट हैविंग द सेंट्रल पुलिस एजेंसी व्हिच हैड ओवरराइडिंग पावर ओवर द स्टेट पुलिस विथ नो प्रोविजन फॉर कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन इज अगेंस्ट द डिविजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड एनआईए इज अगेंस्ट द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली आमर केरला ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट आक्ट को लेकिन ये करुच्ची प्रोटेस्ट करुच्ची छत्तीसगढ़ एनआईए आक्ट को लेकिन प्रोटेस्ट करुच्ची। तो नेक्स्ट जदि आम देखा यहाँ ही कंट्रोवर्सी थी तो ये जो एडिशनल डिबेट जो आर्टिकल 131 को लेकिन होगी देखा गोटे लेजिस्लेशन को अनकन्स्टिट्यूशनाल केवे डिक्लेयर होगी कि आगु कौन पाई In 2011, the state of MP and Union of India, the Supreme Court held that validity of central law can be challenged under Article 32 of the Constitution and not under Article 131. However, a 2012 dispute between Bihar and Jharkhand is currently pending for consideration by larger bench of the Supreme Court, whose decision would have a bearing on the court's power to decide the validity of law under Article 131.
तो एतिकी आमे बुझले तापरे लास्ट पार्ट आमे देखिबा आमे वे आउट किछि बाहर करिबा। तो वे आउट जदि आमे देखिबा वे फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट ए लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट ए लार्जर बेंच टू डिसाइड द क्वेश्चन वेदर द स्विट्स चैलेंजिंग सेंट्रल लॉज आर मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 131 और नॉट। इन दैट केस इफ द स्विट्स आर डिक्लार्ड अंडर मेंटेनेबल द सेम बेंच मे ऑल्सो एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स। सो ए जो पर्टिकुलरली आमर जो लार्जर बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करिया पे कहूँ एंड ए जो स्विट जो अच्छी से स्विट आमर वेदर द स्विट चैलेंजिंग सेंट्रल लॉ आर मेंटेनेबल अंडर आर्टिकल 139 और 131 और नॉट। इन दैट केस इफ द स्विट्स आर डिक्लार्ड मेंटेनेबल द सेम बेंचमार्क सेम बेंच मे ऑल्सो एडजुडिकेट द डिस्प्यूट्स। तो दिस वाज द वे फॉरवर्ड। तो आम जो देखा आउ किसी कनसेप्ट देखा जो सुप्रीम कोर्टर जो जुरीडिक्शन अच्छी फास्ट देखे आम ओरिजिनल जुरीडिक्शन बा एक्सक्लूसिव जुरीडिक्शन ये आम देखा एडवाइजरी जुरीडिक्शन। अंडर द एडवाइजरी जुरीडिक्शन द प्रेसिडेंट हाज द पावर टू सिक एन ओपिनियन फ्रॉम द अपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 143 कौन कौन सुप्रीम कोर्टर एडवाइजरी जुरीडिक्शन विषय कौच appellate under its appellate jurisdiction the supreme court hear appeal from lower court then extraordinary original jurisdiction supreme court has exclusive power to adjudicate upon dispute involving election of the president and the vice president those that involve state and the center and cases involving the violation of fundamental right tanu extraordinary original jurisdiction re kon rochi supreme court ro excessive power ochi then appellate under its appellate jurisdiction the supreme court hear appeal from lower court so this is about article 131 of the constitution tapre next topic ame dekhiba office of the speaker and issue of education then next topic hela kon office of the speaker and issues of defection। तो ये जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर आउ इश्यू ऑफ द डिफेक्शन जो आम पढ़ुचे ऑफिस ऑफ द स्पीकर जो कहे आम स्पीकर माने आम पढ़ी थे पार्लियामेंट चैप्टर तो पार्लियामेंट चैप्टर को आम रेफर कर पारिबा। तो जो माने एथरे किछि इनफॉरमेशन पाई नथिबो तो पार्लियामेंट चैप्टर को डायरेक्ट जीवो। तो एथरे आम कौन स्पीकर ऑफिस विषय देखिबा देन तो कॉन्टेक्स्ट कौन कहूँ ना सुप्रीम कोर्ट कौन करा पार्लियामेंट को कहते जो amend the constitution to strip legislative assembly speaker of their exclusive power to decide on the matter of disqualification under anti-defection law। तो anti-defection law रे जो अच्छे speaker को exclusive power कौन exclusive power ना speaker को जो exclusive power रही basically हमें कहना पड़ेगा defection करिवार exclusive power तो से जो defection करिवार exclusive power को amend करिया पई कहिसेंती। तो एंटी डिफेक्शन लॉ विषय में देखा तो न्यूज रे आउ कौन कहूँ ना सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कौन कहते ना जो सब्स्टिट्यूट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एज आर्बिट्रर ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th स्केड्यूल विथ परमानेंट ट्राइब्यूनल कंप्राइजिंग आइदर ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। तो हाई जो स्पीकर जो पावर थी पावर अच्छी एवं जो डिफेक्शन को लेकिन जो आम आर्बिट्रेटर हिसाब से जो पावर अच्छी ट्रांसफर करने क्या ना परमानेंट ट्रिब्यूनल एस्टाब्लीश करके ट्रांसफर करने थ्रो से जो ट्राइब्यूनल हो हेड किए हे ना सुप्रीम कोर्ट जज कि चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। ओके द कोर्ट आस्क द स्टेट असेंबली स्पीकर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन इन 4 वीक। तो टाइम जो अच्छी स्पीकर मानक जो टाइम पीरियड जो अच्छी डिस्क्वालिफिकेशन डिसीजन टा केते भितरे नेबे ना 4 वीक भितरे नेबे माने 28 डेज भितरे तांको डिसीजन देबार अछि। तो बैकग्राउंड कोन कहूँ फॉर ओवर 3 decades द ऑफिस ऑफ द स्पीकर हैज बीन अंडर द कंट्रोवर्सीज फॉर ए डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs हु स्विच साइड फॉर प्रॉफिट और पॉलिटिकल पावर थस अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी डिमांड टू एड्रेस दिस क्रॉनिक प्रॉब्लम हैज ए गेनिंग ग्राउंड फॉर लॉन्ग। तो आम जाने बहुत सारा मानने इरेगुलारिटी होउछि जोटा कि जो ग्राउंड रे हेबा कथा नुह सही ग्राउंड रे होउछि कौन पे ना स्पीकर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी रो थांती निज जो रूलिंग पार्टी रो थांती। तो रूलिंग पार्टी जेते बेले जहां भी तांकू कोए सही तारो फेवर रे सब बेले से एडवाइस करंती से बा डिसीजन नियंती सेति पे
इट इज बेसिकली अंडरमाइनिंग द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट रिसेंट इंस्टेंसेस किसी इंस्टेंस अच्छी एवं भी आम राजस्थान रो एग्जांपल नहीं पार तो ये जो आम जेहेतु ये जनवरी 2020 पढ़ुचे एवं मणिपुर केस थिला सेटा मणिपुर सेमती आमर कर्णाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब केस तुम पढ़ले तुम जापर कौन कौन सिचुएसन थी तो आम जो देखा एवं टाइम आसी कौन ना आम जाना दरकार आंटी डिफेक्शन लॉ कौन तो आंटी डिफेक्शन लॉ आम पढ़ी कौथे लक्ष्मीकांत रे तो आंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली कौन कहूँ ना पॉलिटिकल डिफेक्शन जो अच्छी प्रिवेंट करने कौन व्हिच मे बी ड्यू टू रिवार्ड ऑफ ऑफिस और अदर सिमिलर कंसीडरेशन। तो जड़े गोटे पार्टी रु इलेक्टेड हो पुणी आउ थे जो अलग पार्टी को जाऊँगी से बहुत सारा प्रॉब्लम होना ना तेणु रोकवाई आंटी डिफेक्शन लॉ आसी तो पर्टिकुलरली 10th स्केड्यूल इनसर्ट हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 इनसर्ट हो तो ये कौ प्रोसेस ये गोटे प्रोसेस माने ले डाउन करुच्छी बेसिकली लेजिस्लेचर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाय प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द पोजीशन पिटीशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस जदि किए पिटीशन देला जे ये यही अनुसार डिस्क्वालिफाई होगा कथा ताले स्पीकर डिस्क्वालिफाई कर दूसरी तो कौ कंडीशन रे जन गोटे लेजिस्लेटर डिफेक्ट हेबो ना आइदर से जदि वॉलंटरीली भी जदि गिव अप कर देला मेंबरशिप देन ताले सीए डिफेक्ट हो डिस्क्वालिफाई हो देन डिसओबे द डायरेक्टिव ऑफ द पार्टी लीडरशिप तांकर जो जो आमर लीडर थांती बा व्हिप जो इश्यू करती तो व्हिप को भी जदि न मानती ताले बा डायरेक्टिव को जदि न मानती ताले से माने कौन हे डिफेक्ट हो तेणु डिसओबे द डायरेक्टिव ऑफ पार्टी लीडरशिप ऑन ए वोट दिस इम्प्लाई दैट ए लेजिस्लेचर डिफाइंग दैट मीन्स अब्सटेनिंग और वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी व्हिप ऑन एनी इश्यू कैन लोज हिज मेंबरशिप ऑफ द हाउस द लॉ अप्लाइज टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली ये जो लॉ बेसिकली पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को अप्लाई करुच्छे खाली पार्लियामेंट को नुह एथेरे एक्सेप्शन कौन अच्छी सेमती नुह समस्त डिस्क्वालीफाई हो कौन हो पारे कि एक्सेप्शन भी अच्छी तो एक्सेप्शन कौन कौन ना ए लेजिस्लेचर इज डीम टू हाव डिफेक्टेड इफ एटा आम देखिले ना नहीं तो एक्सेप्शन कौन कौन ना लेजिस्लेचर मे चेंज देयर पार्टी विदाउट द रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस तो लेजिस्लेचर माने पार्टी चेंज करें बट किसी सर्कमस्टेंसेस करें केमती ना पर्टिकुलरली जो गोटे पार्टी मर्ज हो पार्टी रे एटलिस्ट 2/3 मेंबर सपोज आम कहींपर 12 मेंबर जदि अच्छी से पार्टी सपोज 2/3 माने कते 3, 4, 8 मेंबर जदि राजी हो गले आउ गोटे पार्टी मिसापी तेल डिफेक्ट हे ना जदि 2/3 रु कमी गला 7 जन जदि पार्टी मिसीगले आउ गोटे पार्टी तेल मैंने डिफेक्ट हो ना नहीं देन इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी जदि स्पीकर ऑफ लोकसभा हिसाब से जॉइन कले जने मेंबर ताले से कौन करिवे ना दे शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिजॉइन द पार्टी वन्स ही डिमिट दैट पोस्ट ओके जदि स्पीकर हेले ताले ताकु पार्टी को छाड़िया पे पड़िबो तापरे जितेबले से पोस्ट छाड़ी देबे सेतेबले पुनी आउथरे रिजॉइन करि परिवे सो एटा थिला कौन बेसिकली आंटी डिफेक्शन लॉ विषय किसी फैक्ट थिला जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट तापरे यदि आम देखा व्हाई देर इज ए नीड टू रिफॉर्म देर इज ए नीड टू रिफॉर्म द ऑफिस ऑफ स्पीकर तो आम देखिपर जे एटा मुझे डिस्कस करूनी कौन पे ना आम प्रिलिम पढ़ुचे तो बेसिकली यही हेडिंग को तुम मन रख खातार लिखिकी रख तो नेचर ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर स्पीकर बेसिकली आमर कौन न्यूट्रलिटी मेंटेन करने कथा नो सिक्यूरीटी विथ कंटिन्यूटी एटा डिटेल पढ़ो देन इंट्रिंजिंग पाराडक्स ऑफ द ऑफिस तो डिस्क्वालिफिकेशन जितेबले आमर बेसी हो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन इंटरेस्टेड ए स्पीकर टू क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इज नॉट ए रेशनल एंड लॉजिकल बट व्हेन सच स्पीकर कंटिन्यू टू बिलोंग ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कौन पाने से गोटे पॉलिटिकल पार्टी थाए से न्यूट्रलिटी मेंटेन करिवारे प्रॉब्लम हुए तापरे प्रॉब्लम होची कौन ना डिसीजन जो स्पीकर डिसीजन जो डिस्क्वालिफिकेशन को बेस करी से बहुत ही लेट हुए तेणु बहुत सारा इंस्टेंसेस भी रही तेणु या कौन या बेस करके आम कहीपर देर इज ए नीड टू रिफॉर्म द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ताले कौन कौन रिफॉर्म दरकार एवं आम देखा
तो कौ कौ बेसिस रे आमर रिफॉर्म दरकार। फास्ट आम देखा जे एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन कौन कही कौ रिपोर्ट रे एथिक्स इन गवर्नेंस, तो यही रिपोर्ट रे कौन कही ना इश्यू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमिशन। तो यहाँ है बहुत बढ़िया सुइटेबल जोटा कि प्रेसिडेंट गवर्नर गोटे डिसीजन नहीं पारे कहार एडवाइस नहीं कि इलेक्शन कमिशन कौन पाइना इलेक्शन कमिशन इज द सोल अथॉरिटी टू इलेक्शन। तो जितेबाला डिस्क्वालीफाई डिफेक्ट होती इलेक्शन कमिशन शुड एडवाइस दैट पार्ट। देन सुप्रीम कोर्ट जदि कहिसेंति जे अनलेस देयर वर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर 10 स्केड्यूल शुड बी डिसाइडेड बाय स्पीकर विदिन 3 मंथ। जदि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अछि 3 मंथ रु पार हेले चलिबो, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जते भी सब अछि सब डिसीजन विदिन 3 मंथ भितरे नेबाकु पड़िबो काहाकु स्पीकर को। देन इश्यू ऑफ सिक्योरिंग न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर शुड बी रिजॉल्व थ्रू फॉलोइंग अदर मॉडल एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी। जदि आम कहींपर ब्रिटेन रे कौन है ना पॉलिटिकल पार्टी से माने पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट फील ए कैंडिडेट अगेंस्ट द स्पीकर एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन एंड स्पीकर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल डिसाइडिंग अदरवाइज बाय कन्वेंशन द स्पीकर एल्सो गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज और पॉलिटिकल पार्टी। सेमती आउ गोटे इंस्टेंस कहींपर 1953 कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया पास्ट ए रिजोल्यूशन फॉर द अडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश कन्वेंशन। तो यहाँ भी गोटे बहुत ही बढ़िया आइडिया। तो कंक्लूजन आम देखिपर दो डिस्कशन इज ऑलरेडी अंडर वे अमंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑन हाउ टू सिक्योर द स्पीकर्स डिग्निटी पर्टिकुलरली इन मैटर रिलेटेड टू द डिफेक्शन ऑफ लॉ मेकर। देर इज एन अर्जेंट नीड टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर लाइक वन सजेस्टेड बाय अपेक्स कोर्ट टू अफोल्ड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड रूल ऑफ लॉ। ए वॉचफुल पार्लियामेंट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देयरफॉर द की टू सिक्योरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो आउ किसी इनफर्मेशन अच्छी जोटा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस आस्पेक्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ बाय सुप्रीम कोर्ट या तुम निजे पढ़ो यहाँ आम डिस्कस करा दरकार नहीं कौन पाई ना यहाँ बेसी इंपोर्टेंट नुह प्रिलिम पे। तापर सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन कर्विंग रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन को लेकिन एथरे सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देखते। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हाज डिलीवर्ड ए वर्डिक्ट ऑन द बेंच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन इंटरनेट सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इन जम्मू एंड काश्मीर। तो ये आम बेसिकली जम्मू एंड काश्मीर जो जो पिटीशन थिला से पिटीशन को बेस करके से वर्डिक्ट देखते। तो बैकग्राउंड जदि आम बुझाने तेल आम जिनस को बुझीपर ना। तो कौन कहूँ ना सिंस द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन द 5th August 2019 मेनी पार्ट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर हैव बीन अंडर द लॉकडाउन विथ नो इंटरनेट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट। ओके सेमती सेंट्रल गवर्नमेंट जस्टिफाइड द रेस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेट्स वोलेटिलिटी हिस्टोरी ट्रीटी ऑफ एन अपराइजिंग लॉ एंड ऑर्डर नेशनल सिक्योरिटी एंड पॉसिबल मिसयूज ऑफ इंटरनेट फॉर प्रोपागेशन ऑफ टेरर एक्टिविटीज एंड इंसाइटमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। हाउएवर पिटिशनर्स हैव आर्ग्यूड दैट सच ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन वायोलेट द फंडामेंटल राइट एंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो से लॉकडाउन आमर जो आमर इंटरनेट सेवा को बंद कर दूसरी सैटा गोटे कौन ब्लैंकेट बैन मानते अजथा से बंद करके रखुं से कनसर्न रेज कर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करते से जिनस को ऑब्जर्व करके वर्डिक्ट देते। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस कौन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन इंटरनेट शटडाउन को लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेट हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अंडर आर्टिकल 19(2). सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज ए प्रिंसिपल दैट प्रोमिनेंटली यूज्ड एज ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। देन डॉक्ट्रिन एसेंशियली सिग्निफाई दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस कमिटेड और द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट्स इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ द राइट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द गोल इट सीक टू अचीव। देन नेक्स्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स थ्रू इंटरनेट इज एल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज जी। सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर इंडेफिनाइट पीरियड इज नॉट परमिसेबल इट कैन ओनली बी फॉर ए रीजनेबल ड्यूरेशन एंड पीरियडिक रिव्यू शुड बी डन। गवर्नमेंट शुड पब्लिश ऑल ऑर्डर और प्रोहिबिशन टू एनेबल अफेक्टेड पर्सन टू चैलेंज द सेम।
तो 144 आम सेक्शन को जानवा दरकार सेक्शन 144 सीआरपीसी तुम्हें मैंने जिते बड़े सिविल सर्विस पास क्वालिफाई करी जिते डिपार्टमेंटल एग्जाम देव से यही सेक्शन आसव यही सीआरपीसी टोटल एग्जाम हो तुम तेणु से टे जाव से बहुत ही जानव बहुत ही जिनस जानापे मिल पूरा क्लारी आसो कौन पर तुम्हें मैंने जिते सिविल सर्वेंट हे यही सेक्शन को लेकिन डिल ही कर डायरेक्ट आज ए ओएस अफिसर आज ए ओपीएस अफिसर ये सब जिनस को ही डिल कर तो सीआरपीसी सेक्शन 144 कौन कौन ना बेसिकाली लॉटा कौन ना कॉलोनियल एरिया लॉ जोटा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करुच्ची डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड एड्रेस अर्जेंट केसेस ऑफ अप्रिहेंडेड डेंजर और न्यूजेंस बेसिकली आम कहीपर तहसिलदार तुम जो अपॉइंटमेंट हो ओएस कि से तुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर रमी कलेक्टर पाखे कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावर रहा सब डिविजनल मैंने जितेबाला सब कलेक्टर पाखे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पावर रोचे तो दिस यूजुआली इनक्लूड रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट्स कैरिंग आर्म एंड फ्रॉम असेंबली unlawfully it is generally believed that assembly of 3 or more people is prohibited under section 144 however it can be used to restrict even a single individual okay to lakshmikant re bhi ei jinso pura lekha hichi tumhe dekhibo it has often been used as a clamp down on telecommunication service order internet shutdown for instance in up west bengal internet service were suspended by district magistrate in the wake of protest against the citizenship amendment act so duration kete hei paribo ei jo ban ro ना ऑर्डर पास्ट ये जो ऑर्डर रो ना ऑर्डर पास्ट अंडर सेक्शन 144 कैन नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर मोर दैन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर्ड इट नेसेसरी इवन देन द टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सटेंड टू मोर दैन 6 months अति बेसी से 6 months सर्वाइव कर 2 months नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस रे ओके तो एबे जो देखिबा करेंट कॉन्टेक्स्ट रे जो देखिबा 144 सीआरपीसी को यूज केमती करची गवर्नमेंट The power under section 144 cannot be used to suppress legitimate expression of the opinion or grievances or exercise of any democratic right. When section 144 is imposed for region of apprehended danger, that danger must be an emergency. Only in case of emergency, section 144 should be applied. The imposition of section 144 must strike a balance between the right of the individual and द कनसर्णस अफ द स्टेट तो स्टेट जो स्टेट रो इंडिविजुआल राइट रो बैलेंस किए रख सेक्शन 144 तो पावर अंडर सेक्शन 144 सुड बी एक्सरसाइज्ड इन ए रिजनेबल एंड बोनाफाइड मैनर एंड द अदर मोस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट इन ऑर्डर टू एनेबल जुडिशियल रिव्यू सो टोटल जदि आम अंडरस्टैंड करवा बुझाप ट्राए करवा टोटाल मैंने सटडाउन को बा टोटाल इश्यू को जदि आम देखा इंटरनेट सटडाउन ताले इंडिया एबे टॉप पोजीशन रे अछि टॉप पोजीशन इन द सेंस इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन ग्लोबली अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर्स क्रैकर देयर हैव बीन 381 शटडाउन सीन 2012 106 ऑफ व्हिच वेयर इन 2019 तो ये जो पिक्चर तुम्हें देखि परथबो केते थरो लॉकडाउन हेछि सबटु मैक्सिमम 180 माने 50% ऑफ द लॉकडाउन इन जम्मू एंड काश्मीर इन द ऑनगोइंग शटडाउन इन काश्मीर इज द लॉन्गेस्ट एवर इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री माने केते हिसाब रे से फंडामेंटल राइट केते वायोलेट होची भाव स्टेट निजे स्टेट रो रेस्पोंसिबिलिटी ला प्रोटेक्ट करिया पे फंडामेंटल राइट बट से निजे कौन करची फंडामेंटल राइट को देबा दोउनी बा प्रोवाइड करूनी ना नहीं तो लेजिस्लेटिव प्रोविजन जदि आमे देखिबा लेजिस्लेटिव प्रोविजन बहुत ही इंपोर्टेंट कौन पे ना सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विस कौटि डील करा जाए ना आईटी एक्ट 2000 देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो आम पढ़ले वो सेक्शन 144 देन द टेलीग्राफ एक्ट 1885 तो 2017 आगु कौन होता ना इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर वेयर इश्यूड अंडर सेक्शन 140 ऑफ द सीआरपीसी बट इन 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द टेम्पोरारी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज दैट इज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल अंडर द टेलीग्राफ एक्ट टू गवर्न सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट So despite the 2017 rule, the government has often used the broad power under section 144. तापरे economic cost, अमे internet shutdown द्वारा हमारे economic cost भी होची, loss होची economic loss, तनु India lost over 1.3 billion in internet shutdown across the country in 2019, making it the third most economically affected country after Iraq and Sudan.
देन जस्टिफिकेशन फॉर शटडाउन द शटडाउन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट दिस इज ए प्रिवेंटिव मेजर यूज्ड बाय द लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन एज ए लास्ट रिसोर्ट टू एड्रेस मास प्रोटेस्ट सिविल अनरेस्ट एज सो टू एनश्योर पीस जदि आम इंटरनेट शटडाउन करानी तेल कौन हम व्हाट्सएप यूज हम आउ प्रोटेस्ट हमारे से बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट प्ले कर इन सर्टेन एक्सट्रीम सिचुएशन हर रूमर्स थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया स्टार्ट प्लेइंग ए डिस्ट्रप्टिव रोल इट मे बी बिकम नेसेसरी टू हाव इंटरनेट शटडाउन तो इट इज सपोर्टिंग शटडाउन दिस पॉइंट इज सपोर्टिंग शटडाउन तो यहाँ कौन एटा है सपोर्टिंग बट आर्गुमेंट जदि आम देखा इंटरनेट एक्टिविस्ट लॉ एक्सपर्ट एंड ह्यूमन राइट एजेंसी सजेस्ट दैट देयर इज नो रियल एविडेंस ऑफ इंटरनेट शटडाउन एक्चुअली हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग मास प्रोटेस्ट और सिविल अनरेस्ट सो इंटरनेट शटडाउन मेक ए ह्यूमन राइट ए होस्टेज ऑफ ह्विम ऑफ द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पाखे ही से पावरटा रोचे ना नहीं तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव माने जो कही ह्विम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव माने कौन एग्जीक्यूटिव माने कौन से चाहिए जोबले ऑर्डर डिक्लेयर कर दूसरी किसी रिस्क नापी पड़ूनी से तो किसी अफेक्ट होना तो ये बेसिकली कौन से ह्विम्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव तेणु द फंडामेंटल राइट टू स्पीच कंडक्ट बिजनेस आस ए सेल्फ केयर एक्सप्रेस डिसेंट एंड मोमेंट ऑफ द पीपल इन द स्टेट आर कॉम्प्रोमाइज्ड शटिंग द इंटरनेट रिजल्ट इन एन इनफॉर्मेशन ब्लैकआउट दैट कैन ऑल्सो क्रिएट हिस्ट्रिया पैनिक एंड कैन रिजल्ट इन इवन मोर डिस्कर्ड देन आम जो डिस्कस कले टेम्पोरारी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस आम डिस्कस कले एवं तो ये जो रूल कौन कहूँ ना दिस रूल आर फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एतकी खाली मन रख एंड डिराइव द पावर फ्रॉम सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट व्हिच टॉक अबाउट इंटरसेप्शन ऑफ मेसेजेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ मेसेज इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी फॉर पब्लिक सेफ्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री सो इन ऑर्डर टू सस्पेंडिंग इंटरनेट अंडर द रूल्स कैन बी ओनली फॉर ए टेम्पोररी ड्यूरेशन एंड नॉट फॉर द इंडेफिनाइट पीरियड सो डायरेक्शन टू सस्पेंड द टेलीकॉम सर्विसेज शैल नॉट बी इशूड एक्सेप्ट बाय होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होम डिपार्टमेंट एंड दैट ऑर्डर शुड बी टेकन अप बाय रिव्यू कमिटी विद इन 5 days ओके देन नेक्स्ट कंटेंट कौन कहूँ ना कनक्लूज आम कनक्लूड करवा बहुत सारा डिस्कस कले तो कनक्लूजन में कौन कहूँ ना एक्सप्रेशन थ्रू द इंटरनेट हाज गेन्ड कंटेम्पोररी रिलेवेंस एंड इज वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ द इनफॉर्मेशन डिफ्यूजन सो बिफोर कंप्लीटली ब्लॉकिंग द इंटरनेट इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट ए प्रोपोर्शनालिटी एंड नेसेसिटी टेस्ट इट इज क्रुशियल टू कंसीडर वेदर सेम ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय ए लेस इंट्रूसिव एंड मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन सच एज डिप्लॉयमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स एंड रनिंग एडवाइजरी ऑन मीडिया एट द सेम टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट शुड डॉक्यूमेंट द रीजन टाइम अल्टरनेटिव्स कंसीडर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज एंड द रूल्स अंडर व्हिच द शटडाउन वेयर इम्पोज्ड एंड रिलीज द डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिक स्क्रूटिनी सो दिस इज अबाउट कंक्लूजन ओके तो आम कौन डिस्कस कले ना जो जम्मू एंड काश्मीर जो राइट टू इंटरनेट जो अच्छी बहुत सारा वायलेट होती डिस्कस कले ओके देन नेक्स्ट न्यूज इज आधार रिपोर्ट तो आधार रिपोर्ट जब आम डिस्कस करवा फास्ट आम देखा व्हाई इज इन न्यूज देन वी हाव टू सी द बैकग्राउंड तो व्हाई इन न्यूज देन बैकग्राउंड देन सम की फाइंडिंग विथ ऑफ द रिपोर्ट देन अबाउट द रिपोर्ट एंड फैक्ट फाइंडिंग तो ये सब जिन डिस्कस करिया फास्ट आम देखा कौन पर आधार रिपोर्ट न्यूज्रे अच्छी विथ द एंटरींग इट्स 10th ईयर ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ ए रिसेंट स्टडी कवरिंग 167,000 इंडियन बाय डेवलपमेंट कंसल्टिंग फर्म डेलबर्ग स्टेट ऑफ आधार ए पीपुल्स पर्सपेक्टिव रिपोर्ट प्रोवाइड ए वैल्युएबल लेसन फॉर कंट्रीज ऑन इंप्रूविंग पब्लिक सर्विसेज फॉर द वल्नरेबल तो बैकग्राउंड जो देखा आधार इज ए वेरीफाएबल 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यूड बाय यूडाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू द रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बेसिकली UIDAI इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधार कलेक्ट ओनली फॉर पीसेस ऑफ पर्सनल इनफॉर्मेशन कौन कौन नेम एज जेंडर एंड एड्रेस एलोंग विथ बायोमेट्रिक डाटा इन एडिशन टू आधार हैज क्रिएटेड ए न्यू फीचर सच एज वर्चुअल आईडी दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स प्राइवेसी एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार हैज बीन टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रोवाइड एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड टारगेटेड डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विस टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेसिडेंट
हु डिपेंड ऑन इट। सो अबाउट द रिपोर्ट जदि आम देखा स्टेट एटा आम डिस्कस करवा बट रिपोर्ट जो अच्छी से रिपोर्ट रे कौन कौन फाइंडिंग अच्छी आम देखा कौन कौन कही तो फास्ट आम कह की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट गेटिंग आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट तो फास्ट पॉजिटिव कौन आधार इज इंडियाज मोस्ट अबिक्वेटस फॉर्म ऑफ आईडी टुडे व्हिच प्रोवाइडेड द फास्ट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर एन एस्टिमेटेड 65 to 70 million इंडिविजुअल्स सम स्टेट्स हैव अचीव्ड एनरोलमेंट लेवल हायर दैन 99%। आसाम एंड मेघालय आर एक्सेप्शन विथ एनरोलमेंट लेवल अंडर 50%। सो व्हाट इज द कंसर्न ए साइजेबल माइनॉरिटी ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रेन स्टिल डू नॉट हैव आधार सम ऑफ दोज एनरोल्ड इन द आधार हैव एरर इन देयर आईडी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन फेल फॉर ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ट्रांजेक्शन देन यूजिंग ऑफ आधार फर्स्ट पॉजिटिव इज दैट आधार इज बिकमिंग इंडियाज डिफॉल्ट आईडी दोज हु हैव आधार इज आधार यूज इट रेगुलरली एंड अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेस 80% ऑफ द रेस्पोंडेंट फेल्ट दैट आधार हैड इम्प्रूव्ड द रिलायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फंडेड वेलफेयर सर्विसेस। सो व्हाट इज द कंसर्न स्टिल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप फेस आधार रिलेटेड एक्सक्लूजन फ्रॉम द सर्विसेस मोरओवर नियरली 34% इंडियंस वरी अबाउट लिंकिंग आधार टू टू मेनी सर्विसेस एंड फियर लॉजिंग एक्सेस टू द सर्विस बिकॉज ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल अराउंड 0.8% ऑफ द पीपल एक्सपीरियंस्ड एक्सक्लूजन ड्यू टू द आधार रिलेटेड रीजन फ्रॉम ए की वेलफेयर सर्विसेस पीडीएस एमजीनरेगा सोशल पेंशन एटसेट्रा व्हिच दे हैड अर्लियर रिसीव्ड। सिमिलरली नॉट ओनली ए फैमिली मेंबर्स आधार इज रिक्वायर्ड फॉर द मोस्ट स्कूल एनरोलमेंट इन सम केसेस आधार अफेक्टेड चिल्ड्रेन्स एक्सेस टू वेलफेयर फॉर एग्जाम्पल एन एस्टिमेटेड 15 million चिल्ड्रेन मिस्ड आउट ऑन वन और मोर मिड डे मील्स बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज विथ आधार। देन नेक्स्ट पॉइंट इज परसेप्शन सैटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट। तो पॉजिटिव कौन 90% ऑफ द पीपुल ट्रस्ट दैट द डाटा आर सेफ इन द आधार सिस्टम एंड 61% ऑफ द वेलफेयर बेनिफिशियरी ट्रस्ट दैट द आधार प्रिवेंट अदर फ्रॉम द असेसिंग देयर बेनिफिट। सो कंसर्न इज दैट हाउएवर ए माइनॉरिटी वरीज अबाउट द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ आधार फॉर एग्जाम्पल 2% ऑफ द पीपुल हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रॉड दैट दे सी एज बीइंग रिलेटेड टू आधार diminishing their trust. Then variation of user experience across the state. Aadhaar usage varied across the state by both frequency of use and a number of service for which it is used. Aadhaar's performance is bound to have influence by factor that relate to both implementation, that is number of enrollment of center, and local infrastructure, that is mobile data connectivity. Then ए रिपोर्ट विषय जब आम देखा द स्टेट ऑफ आधार इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड इन 2016 टू कंट्रीब्यूट टू ए डाटा ड्राइव एंड डिस्कर्स ऑन आधार इन द 2019 एडिशन ऑफ द इनिशिएटिव सर्वेड ओवर 167,000 हाउस होल्ड्स स्पैनिंग 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी अक्रॉस इंडिया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज टू हेल्प आइडेंटिफाई व्हिच एस्पेक्ट ऑफ आधार आर वर्किंग एंड आर नॉट वर्किंग टू व्हाट एक्सटेंट एंड फॉर हुम। द फैक्ट फाइंडिंग आम जो देखा 95% ऑफ अडल्ट हैव आधार एंड 75% ऑफ चिल्ड्रेन हैव आधार 8% ऑफ पीपल डू नॉट हैव आधार और एस्टिमेटेड 102 million पीपल 80% ऑफ द बेनिफिशियरी फील आधार हैज मेड पीडीएस रेशन एमजीनरेगा एंड सोशल पेंशन मोर रिलेबल। देन आम देखा कनक्लूजन बा वे अहेड कौन कहूँ ना एवरी डिसीजन टू मेक आधार मैंडेटरी फॉर सर्विस प्रोविजन शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड एज मेकिंग आधार मैंडेटरी कैन लीड टू एक्सक्लूजन फ्रॉम वेलफेयर एंड अदर सर्विसेस सो इम्प्रूवमेंट इन ऑन द अदर ग्राउंड ऑन द ग्राउंड प्रोसेसेस रिलेटेड टू आधार शुड बी डन बाय डिजाइनिंग एफिशिएंट सिस्टम कीपिंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन माइंड as more services are linked to aadhaar easy access as well as seamless updating and authentication will become only more critical different states implement aadhaar is very distinct ways which represent an opportunity to innovate and learn from each other's successful practices so aadhaar need to keep evolving as the people it serve and their need keep changing with the help of combined effort of the government civil society and resident mone rakhiyo so bale government civil society आउ रेसीडेट ये तीन जन मिसिकी जदि एफर्ट देवे ऑटोमेटिकली तांकर डेवलपमेंट आसीबो ना नहीं ताकु हमें कौन कहे इनक्लूसिव डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनमी प्रॉपर्टीज तो एनमी प्रॉपर्टीज जदि आम देखा डिस्कस करवा फास्ट आम कौन देखा ना न्यूज रे कौन पे अच्छी
तो सेंटर अनाउंस करी कौन ना कमिटी फॉर्मेशन करने अनाउंस करी एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर टू सेल एनमी प्रॉपर्टी ओके तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर विल मॉनिटर द डिस्पोजल ऑफ ओवर 9400 एनमी प्रॉपर्टीज व्हिच आर लाइकली टू फेच अबाउट 1,00,000 करोड़ टू द एक्सचेकर टू अदर हाई लेवल कमिटी विल एल्सो सेट अप फॉर डिस्पोजल ऑफ इमोवेबल एनमी प्रॉपर्टीज एनमी प्रॉपर्टीज सो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डिस्पोजल ऑफ एनमी प्रॉपर्टीज एंड इट विल बी को चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट दीपम ए कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी ऑन असेट मोनिटाइजेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी तो CGAM विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप आमर किए हेडेड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी तो कैबिनेट सेक्रेटरी है CJEM ओके तापरे एनमी प्रॉपर्टी माने कौन जेतेबेले गोटे कंट्री वार करिया पई जाए से माने कौन बहुत सारा प्रॉपर्टी को सीज करंदी से माने इन देयर कंट्री ऑफ द सिटीजन एंड कॉर्पोरेशन ऑफ द एनमी कंट्रीज सो प्रॉपर्टीज दैट आर सीज अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आर रेफर्ड टू एज एलएन प्रॉपर्टीज और एनमी प्रॉपर्टीज द आइडिया बिहाइंड सीजिंग दिस प्रॉपर्टी इज दैट एनमी कंट्री शुड नॉट बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स एसेट इन अदर कंट्री ड्यूरिंग वार सो ड्यूरिंग इंडिया चाइना वार इन 1962 एंड इंडिया पाकिस्तान वार 1965 एंड 71 सेंट्रल गवर्नमेंट टुक ओवर प्रॉपर्टीज ऑफ सिटीजन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन इंडिया अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनमी प्रॉपर्टी वाज हैंडेड ओवर टू द कस्टोडियन ऑफ एनमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया एन ऑफिस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट तो एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 कौन कहूँ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आर टेम्पोररी लॉ दैट कीज टू ऑपरेट आफ्टर द वार एंडेड टू एडमिनिस्टर द एनमी प्रॉपर्टी सीज ड्यूरिंग द वार द गवर्नमेंट एनैक्टेड द एनमी प्रॉपर्टी एक्ट इन 1968 तो कस्टोडियन ऑफ एनमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया CEPI इज दैट The office of the CEPI was set up in the year 1939 to deal with the enemy property confiscated during the World War II. The legal statue of the office was given under Enemy Property Act 1968. Basically, Enemy Property by CEPI Act work karuchi kaha under the Ministry of Home Affairs Freedom Fighter Division with its head office of the New Delhi and three branch offices at Mumbai, Kolkata and Lucknow. The custodian is a quasi-judicial authority under the Enemy Property Act and सिविल कोर्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोर्ट ऑफ 1908 तो बेसिकली ये जो एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 डिफाइन करी एनमी प्रॉपर्टी को कौन बोली डिफाइन करी एनमी एज ए कंट्री दैट कमिटेड एक्सटर्नल अग्रेसन अगेंस्ट इंडिया दैट इज पाकिस्तान एंड चाइना इट प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूस वेस्टिंग ऑफ एनमी प्रॉपर्टी इन द CEPI It laid down the power of CEPI for management and preservation of enemy properties. The Enemy Property Act gave enemy citizen certain right with respect to their property vested in the custodian, but the ambiguity in their right and power of the custodian to administer this property resulted in dispute, some of which are related to inheritance right of the enemy property. So, Enemy Property Amendment and Validation Act 2017. कौन कहूँ ना टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड कंट्रोल अब एनमी प्रॉपर्टी पार्लियामेंट पास द एनमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 सम फीचर ऑफ द दिस एक्ट इज इट मेक द CEPI द ओनर ऑफ द एनमी प्रॉपर्टी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1968 द कस्टोडियन विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे डिस्पोज ऑफ वेदर बाय सेल और अदरवाइज एनमी प्रॉपर्टीज वेस्टेड इन हिम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट Disposal of enemy property shall be made by any other authority or ministry or department instead of custodian. तो यही सब जिनस एत भी दरकार नहीं तो एथिपे मु स्किप करूची ओके एनमी प्रॉपर्टी पूरा दरकार नहीं तुम मेन एग्जाम पे दरकार तो यहाँ को तुम्हें निजे पढ़ी पार तापर देखिए आम रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने कौन न्यूज़ रे अच्छी सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड दैट स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन नेशनल इंटरेस्ट तो जजमेंट कौन कौन द जजमेंट केम व्हाइल हियरिंग ए पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ वेस्ट बंगाल मद्रासा सर्विस कमिशन एक्ट 2008 व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिशन टू अपॉइंट टीचर इन मद्रास रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन While uploading the validity of the act, Supreme Court while upholding the validity of the act, Supreme Court reiterated that
रेगुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इज परमिसेबल इफ इट इज इंटेंडेड टू एंश्योर एक्सेलेंस इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विदाउट इंटरफियरिंग विथ इट्स माइनॉरिटी स्टेटस। द कोर्ट रेफर्ड टू द TMA 5 वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 केस व्हाइल डिसाइडिंग दिस केस। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रेगुलेटिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1, ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 प्रोहिबिट द स्टेट इन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशन इन ग्रांटिंग एड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। तापर TMA पाई आउ कर्नाटक ये केस देख डिटेल देख तुम्हें यहाँ भी एत मैंने प्रिलिम पे आमर इम्पोर्टेंट नुह। आर्टिकल 30 ये सब मन रख, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 कौन कौन क्लॉज 1 आउ आर्टिकल 30 क्लॉज 2 कौन कौन। ओके आउ आर्टिकल 30 बेसिकली कौन कौन माइनॉरिटी माने एस्टैब्लिश कर पारे आउ एडमिनिस्टर कर पारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बट 1 कौन कौन ना ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। देन आर्टिकल 3-2 कौन कौन ना द स्टेट मानक प्रोहिबिट करुच्छे इन डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशन इन ग्रांटिंग एड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कौन कौन ना नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट डिफाइन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एज ए कॉलेज और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। तो ये जो NCMEI एक्ट डिफाइन माइनॉरिटी मीन्स ए कम्युनिटी नोटिफाइड सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देर आर 6 नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। नो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैव बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल डेट। दस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ NCMEI। तो एलिजिबिलिटी कौन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड एंड बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी इफ इट रन बाय ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी मेजोरिटी ऑफ मेंबर मस्ट बी फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। सम स्टेट्स हैव देयर ओन गाइडलाइंस, सम स्टेट्स हैव देयर ओन गाइडलाइन फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। Once conferred a status of minority educational institution, there is no need for renewal periodically. तो एटा बेसिकली आमर कौन NCMEI एटा क्वासी जन गोटे कौन क्वासी जुडिशियल बॉडी जोटा कि रेगुलेट करे कौन सर्टिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया। तो यार चेयरमैन किए ना जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड 3 मेंबर आर टू बी डोमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इट हैज पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट, इट हैज बोथ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट माने अपील करिपारिबे ताकू। इन सच मैटर हाज ए लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन जोसेफ ऑफ क्लोनी वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। सो कमीशन हैज एडजुडिकेटरी फंक्शन एंड रेकमेंडेटरी पावर, इट डिसाइड ऑन डिस्प्यूट रिगार्डिंग अफिलिएशन ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू ए यूनिवर्सिटी। देन इट हैज पावर टू इनक्वायर सोमोटो इन टू कंप्लेंट रिगार्डिंग डिप्राइवेशन और वायोलेशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इट स्पेसिफाइज मेजर टू प्रमोट and preserve the minority status and character of institution of their choice established by minorities. It can also cancel the minority status granted to institution if they are found to have violated the condition of the grant. To yaro linguistic minority jo kahuche ame linguistic minority institution jo kahuche national commission nor for linguistic minority established under article 350b of the constitution has less power than NCMEI. It can only review the safeguard for protection of linguistic minority right and make recommendation to parliament based on its finding. To ame dekhiba rights obtained by minority educational institution, to yaro rights sab padhibo but jo basically ame kahi pariba article 30 section 12 of right to education act 2019। तो ये जो 2019 आक्ट कौन कौन ना 25% रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देन आर्टिकल 30 प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ कंपलसरी टेक ओवर प्रॉपर्टी बाय द स्टेट ड्यू टू कंपेंसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इंस्टीट्यूशन।
तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर आउट ऑफ परव्यू ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 15। तो ये सब राइट आमर एम ई आई मानक प्रोवाइड कर तो सिग्निफिकेंस भी एथरे देछि जजमेंटर माल एडमिनिस्ट्रेशन रो जो अच्छी ताकु कर्व करि परिबो आउ ट्विन ऑब्जेक्टिव को अचीव करि परिबो वन ऑफ द एक्सेलेंस इन एजुकेशन एंड अदर बीइंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द माइनॉरिटी राइट टू रन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशन डिवाइडेड इन टू कैटेगरी सेक्युलर एजुकेशन एंड एजुकेशन डायरेक्टली एम्ड एट प्रिजर्वेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी द फॉर्मर कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टेट टू प्रमोट एक्सलेंस एंड लेटर अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कटा इन द स्टेट इट मे बी द लास्ट न्यूज ओके। तो फास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कही सुप्रीम कोर्ट को कही द स्टेट गवर्नमेंट वे आर फ्री टू डिसाइड वेदर टू इम्प्लीमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन द जॉब एंड एडमिशन। सो ये न्यूज रे थिला हमरो बेसिकली हमरो आर्टिकल 15-16 को ये अफेक्ट करुच्ची एटा मन रखियो 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंसर्टेड आर्टिकल 56 एंड आर्टिकल 16(6) इन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एमंग जनरल कैटेगरी। देन बेसिकली जो पोअर मानक वेलफेयर को लेकिन आमर बेसिकली 50% रिजर्वेशन पॉलिसी रे जो मैंने कवर हो ना जो अच्छी आम एस टी एस सी मानक और सोशियाली एजुकेशनल बैकवर्ड मानक जो मैंने कवर हो ना एटा अच्छी। तो आर्टिकल 15 हाज बीन एमेंडेड टू एनेबल द गवर्नमेंट टू टेक् स्पेशल मेजर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अप टू 10% ऑफ द सीट मे बी रिजर्व फॉर सच सेक्शन फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द न्यूली एडेड आर्टिकल 16(6) परमिट द गवर्नमेंट टू रिजर्व अप टू 10% ऑफ द ऑल पोस्ट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो यही सब है कि लास्ट अच्छी हमरो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस रिसेंटली प्रपोजल ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हैज बीन रिविजिटेड बाय लीगल थिंक टैंक विदी। द आइडिया कौन ना 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन इन 1958 जो ओरिजिन करते ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस फास्ट इंट्रोड्यूस्ड करते तो फास्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन इन 1996 एल्सो रिकमेंडेड दैट एट द डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। देन आफ्टर सोरन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन इन 1976 आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज वॉज अमेंडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू इंक्लूड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। सो करेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट जुडिशियरी आर डन बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो बेसिकली आमर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कौन पे दरकार होची इट एम्स एट क्रिएटिंग ए सेंट्रलाइज्ड कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हु विल बी रिक्रूटेड सेंट्रली थ्रू एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन एंड आलोकेटेड टू ईच स्टेट अलोंग द लाइन्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेस। इट हैज़ बीन पिच्ड एज ए सॉल्यूशन टू जुडिशियल वैकेंसी लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर द मार्जिनलाइज्ड एंड फेल्योर टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट। देन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को कौन पे दरकार होची ना हमें कही परिवा टू फिल द वैकेंसी टू एनरिच द क्वालिटी ऑफ जस्टिस एड्रेस द लैकुनाज ऑफ स्टेट मेकानिज्म टू अट्रैक्ट बेस्ट टैलेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेटर बार बेंच रिलेशन। देन इश्यू जदि हमें देखिया फियर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड फेडरालिज्म डिबेट प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज तापरे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी फियर ऑफ रिजर्वेशन एंड एग्जामिनेशन ये सब जिनस तापरे ये जो रिलेटेड इनफॉरमेशन देछि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द प्रोसीडिंग्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट आर टू बी कंडक्टेड इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो ओनली हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट देयर प्रोसीडिंग इन इंग्लिश ऑल्दो सम हाई कोर्ट हैव ए स्पेशल एग्जेम्पशन एंड कंडक्ट देयर प्रोसीडिंग्स इन हिंदी। देन वे फॉरवर्ड देयर इज ए नीड टू एनश्योर दैट सर्विस इज इंसुलेटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। 116th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन रेकमेंड दैट अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन टू द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस टू बी मेड बाय प्रपोज नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ रिटायर्ड एंड सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंबर ऑफ द बार एंड लीगल एकेडमिक्स। एनी चेंज इन द जुडिशियल सेटअप ऑफ द कंट्री मस्ट बी कनकॉर्ड इन बाय द स्टेट एंड हाई कोर्ट एज एल्सो मेंबर ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। So it may be more prudent to investigate the reason and causes for the large number of vacancies in the poorly performing states.
इंटेनसीव ट्रेनिंग कैन भी इंपार्टेड टू द रिक्रुट फॉर स्पीकिंग ऑफ वन और मोर लैंग्वेज वुड सर्टेनली प्रोवाइड एडिक्वेट एंड इफेक्टिव नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट टू व्हिच ही और सी एलोकेटेड. देन फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट इज एक्चुअली द लास्ट न्यूज. तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कौन पे अच्छी ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज रिसेंटली स्टार्टेड ए स्कीम फॉर सेटिंग अप 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट टू फॉर रेप एंड पोस्को एक्ट केसेस एज पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन. सो जदि आम स्कीम विषय देखा, देर आर 389 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री व्वेर द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस आर पोस्को एक्ट एक्सीडिंग 100. अंडर द रिसेंट स्कीम ईच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट विल हैव द एक्सक्लूसिव पोस्को कोर्ट व्हिच विल बी सेटअप फॉर 1 ईयर. फाइनेंसिंग ऑफ द स्कीम विल बी ऑन द पैटर्न ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. 60% ऑफ द शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% बाय द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट टू ब्रिंग आउट मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन एंड एक्सपेडियस ट्रायल डिस्पोजल ऑफ रेप एंड पोस्को एक्ट केसेस. इंडिया enacted the Criminal Law Act of 2018. Hence, to assist the implementation of the 2018 Act, a key intervention is setting up specific court for time-bound disposal of the rape and POSCO Act cases. This 1023 fast-track special court dispose of 1,66,000 cases of rape and POSCO Act that are pending trial in various courts. Then, evolution of fast-track special court. तो 2011 फिनान्स कमिशन फास्ट रेकमेंड करते 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग केसेस इन लोअर कोर्ट पर्टिकुलरली केसेस अंडर ट्रायल बेसिस. एन एवरेज ऑफ 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट वेयर टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर 5 ईयर इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव हाईकोर्ट. द जज फॉर दोज फास्ट ट्रैक कोर्ट वेयर अपॉइंटेड ऑन एंड एडहॉक बेसिस. द हाईकोर्ट सिलेक्टेड देम फ्रॉम अमंग्स द रिटायर हाईकोर्ट जजेस एलिजिबल जुडिशियल ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द बार. बाय 2005 ओनली 1562 वेर फंक्शनल बाय 2005. द स्कीम वॉज कंटिन्यूड टिल 10-11 अंडर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन बट बाय द एंड ऑफ 11 ओनली 1192 फास्ट ट्रैक कोर्ट वेयर फंक्शनल. लेटर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड द स्कीम बट द स्टेट गवर्नमेंट कुड एस्टाब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट फ्रॉम देयर ओन फंड. हाउएवर इफ दे डिसाइड टू कंटिन्यू देन फास्ट ट्रैक कोर्ट हैव टू बी मेड ए परमानेंट फीचर. स्टेट सच आज अरुणाचल प्रदेश आसाम महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड केरला चूज टू डू सो. आफ्टर दिल्ली गैंगरेप केस 2012 द बर्मा कमिटी रिपोर्ट एंड पब्लिक सेंटिमेंट हाउएवर स्पीडी जस्टिस एंड स्टेट्स वेयर रिक्वेस्टेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्राइंग केसेस ऑफ सेक्सुअली असल्ट. तो बेसिकली आम जब देखा इश्यू जो देखा फास्ट आम कहींपर सिस्टमेटिक इश्यू इनआडिक्वेट स्टाफ एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. देन इनआडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस नो लेजिस्लेटिव क्लारिटी लैक ऑफ फीडबैक एंड अपडेशन. यदि वे फॉरवर्ड देखा अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जजेस इक्वल अटेंशन मस्ट बी पेड टू बोथ मेट्रोपॉलिटन एंड फार फ्लोंग नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज. क्रिटिकल सिस्टमेटिक इश्यू सच एज इनआडिक्वेट कोर्ट स्टाफ एंड इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर which affect the day-to-day functioning of the fast-track court must be comprehensively addressed. Once established, special courts should be subject to periodic monitoring and evaluation to assess their performance and effectiveness. Then judicial officer and prosecutor should be selected based on their attitude, knowledge and skill and given special sensitization training. Mechanism for collaboration with other courts agency with non-government organization should be developed. Comprehensive legislation should provide for victim support service including interpreter, social worker and other services to protect victim, enable them to testify in safety and reduce the trauma they might experience. Next, pendency cases jodi ame dekhiba, as August 2019 there are over 3.5 crore cases pending across the Supreme Court, the High Court and the Subordinate Court. Of these, Subordinate Court account for over 87.3% pendency of the cases, followed by 12.5% pendency before the 24 High Court. As of 2017, High Courts have 403 vacancies against a sanction strength of 1079 judges and Subordinate Court have 5676 vacancies against a sanction strength of 22,704 judges. So between 2006 and 17, the number of vacancies in the High Court has increased from 16% to 37% and in the Subordinate Court from 19% to 25%. Then एतिकी हमर कंप्लीट होला. ओके तो यही सब जिनस डिस्कस कले तो नेक्स्ट सेक्शन आम डिस्कस करिया फेब्रुवरी मासर करेंट अफेयर.
तो आज आम जस्ट ओवरव्यू करवा कौन कौन डिस्कस कले। फास्ट आम कौन डिस्कस कले आर्टिकल 131 ओके देन ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड इश्यू ऑफ डिफेक्शन सुप्रीम कोर्ट वर्डी ऑफ कर्विंग रेस्ट्रिक्शन आधार रिपोर्ट एनमी प्रॉपर्टीज रेगुलेटिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा इन द स्टेट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। सो दिस इज अबाउट जनवरी मंथ पॉलिटिकल एंड अफेयर। इन नेक्स्ट क्लास वी शैल डिस्कस फेब्रुवरी मंथ करेंट अफेयर ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ओके फॉर दैट टाइम लेट मीट इन अदर सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय टेक केयर।